तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम अपने YouTube चैनल का क्रिएटिव सा थंबनेल एडिट कर सकते हैं, उसको अपनी वीडियोस के ऊपर लगा सकते हैं। मेरा नाम होशियार जैन, वीडियो पूरी देखते रहिए और मैं इसमें थंबनेल की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। तो दोस्तों थंबनेल से होता क्या है कि जब भी कोई यूज़र यूट्यूब में सर्चिंग करता है तो जब भी कोई भी कीवर्ड सर्च करता है उससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ आ जाती है। तो व्यूज़ भी डिपेंड करते हैं कि किसके ज़्यादा व्यू है, लोग वो देखने की कोशिश करते हैं। बट अगर आपके व्यू कम है और आपका थंबनेल में इंप्रेशन अच्छा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है, प्रोफेशनल लग रहा है थंबनेल, तो आपकी वीडियोस देखने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों कैसे हम अच्छा सा थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा पूरा। तो दोस्तों देखिए स्क्रीन के ऊपर मैं आपको अभी करके दिखा रहा हूँ पूरी एडिटिंग कैसे करनी है थंबनेल की, और आप बता सकते हैं कि कैसा है। तो दोस्तों देखिए फोन स्क्रीन के ऊपर भी हमें सबसे पहले पिक्सआर्ट ऐप ओपन कर लेनी है। पिक्सआर्ट ओपन करने के बाद जो नीचे प्लस का निशान है यहाँ से हमें बैकग्राउंड चूज करना है। बैकग्राउंड से पिक का ही बैकग्राउंड मैंने सिलेक्ट कर रखा है, इसको थोड़ा क्रॉप कर लेंगे। 16:9 जो यूट्यूब का होता है रेशो हमें वो सिलेक्ट करना है, ये हमने सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हमें इसके अंदर फोटो ऐड करनी है, जो हमारा थंबनेल है कुछ भी हम जो थंबनेल क्रिएट कर रहे हैं, ये मैं लोगो कैसे बनाते हैं उस वीडियो का थंबनेल क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैंने ये फोटो में से जो सेव कर रखी थी वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है, इसको यहाँ पे सेट कर लेते हैं थोड़ा इससे अच्छा लगे कॉर्नर के अंदर। उसके बाद हमें टेक्स्ट पर जाना है, हमें आई सेलेक्ट करना है सबसे पहले। उससे क्या होगा, उससे थोड़ा बैकग्राउंड में जो भी टेक्स्ट लिखेंगे ना तो वो थोड़ा अच्छा शो होगा। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं एक बार, मैं बिल्कुल ऐसे लेट चाहिए। तो दोस्तों इसका साइज थोड़ा सही कर लेते हैं अभी। इसका कलर हमें चेंज करना है, व्हाइट कलर से इसका कलर हमें चेंज करना है, इसको हमें ब्लैक करना है। ब्लैक करने से क्या होगा कि जो थंबनेल के अंदर वर्ड्स होते हैं वो अच्छे लिखते हैं थोड़े, जैसे इसके अंदर वाइट से लिखेंगे YouTube लिख रहा हूँ मैं, जैसे YouTube। इसका साइज थोड़ा सेट कर लेंगे, जैसे ये सेट हो गया यहाँ पर, ये बिल्कुल सही है। अभी अगेन हमें ये स्टेप दोबारा करना है, अभी दोबारा आई लेना है एक बार, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, सेट कर लेंगे थोड़ा। इसका साइज थोड़ा सेट कर लेंगे, यूट्यूब के साइड में रखेंगे थोड़ा इसको। दोस्तों इसका कलर हमें व्हाइट नहीं रखना है, व्हाइट तो नहीं रखना है मतलब ब्लैक नहीं रखना है, इसका हम रेड कर लेंगे कलर, थोड़ा अलग लगे। इसमें मैं लिख रहा हूँ लोगो, क्योंकि ये हम YouTube लोगो का एक जो थंबनेल होता है वो क्रिएट कर रहे हैं। इसका कलर लोगो का कलर व्हाइट रखेंगे क्योंकि बैक का कलर चेंज हो गया है, हमने जो आई रखा था पीछे उसका कलर रेड है ना, तो इसलिए व्हाइट अच्छा लगेगा उसके ऊपर। तो इसके हम थोड़े फॉन्ट सेट कर लेते हैं, फॉन्ट अलग अलग बहुत ऑप्शन है फॉन्ट के। तो ये थोड़ा सही लग रहा है ये फॉन्ट इसके अंदर, हमें अगेन वो स्टेप रिपीट करना है, आई एक बार और सेलेक्ट करना है और उसका भी साइज सही करना है। इसको हम इस बार थोड़ा नीचे लेके जाएंगे, थोड़ा साइज सही कर लेता हूँ एक बार इसका मैं। हाँ ये सही होगा साइज थोड़ा इसका, इसको भी हमें ब्लैक कर देना है। ऊपर वाला ब्लैक हो गया, फिर रेड अगेन ब्लैक, अगर हम कोई और कलर लेंगे तो वो इतना अच्छा अट्रैक्टिव नहीं लगेगा आंखों को एकदम देखने में जब थंबनेल के अंदर देखते हैं। बाय इसमें हमें दो वर्ड्स रखने हैं तो दोनों अलग अलग रखेंगे, अलग अलग कलर के, ये थोड़ा सेट कर लेंगे। अगर साइड से इसको करेंगे ना तो
थोड़ा कम साइज़, तो ये ऊपर नीचे हो जाता है इसे, तो इसको सेट कर लेते हैं थोड़ा। ये सेट हो गया है। अब हमें टेक्स्ट के अंदर दोबारा जाना है, हमें पिक्स आर्ट लिखना है इसके अंदर, पिक्स आर्ट, क्योंकि हम पिक्स आर्ट से एडिट कर रहे हैं, तो थोड़ा उसके अंदर थंबनेल के अंदर हम बता रहे हैं। इसका कलर हम वाइट नहीं रखेंगे इस बार, इसका थोड़ा साइज से कर लेते हैं, इसका हम येलो या ब्लू करते हैं कुछ ऐसा, रखने के बाद देखेंगे सोचेंगे थोड़ा इसका साइज थोड़ा सही कर लेते हैं। येलो सही रहेगा, येलो अट्रैक्टिव लग रहा है थोड़ा, रेड नहीं, ये टेक्सचर पे हो गया है, कलर पे रखना है हमें येलो, हाँ येलो सही है। तो इसके अंदर स्ट्रोक करना चाहिए तो कर सकते हैं किसी भी कलर का, जैसे मैं वाइट का सिलेक्ट करके कर रहा हूँ तो उसके बाहर बाउंड्री आ जाएगी, ऊपर बाउंड्री से थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ये, तो हमें सिंपल ही रखना है इसको, सिंपल ही सही लगेगा, तो मैं इसको वापस कर देता हूँ ऊपर। ये सही लग रहा है। इसके बाद हमें इसको सेव कर लेना है, और लास्ट चीज़ एक ही करनी है, जो हमारी इसके अंदर फोटो होती है ना वो बहुत डिपेंड करती है, मतलब हमारा थंबनेल देखने में लग कैसा रहा है, इसको हमें सेचुरेशन थोड़ा इंक्रीज करना है, और उसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं करने, ना इसके अंदर क्रिएटिविटी में कुछ करना है, ना ब्राइटनेस में कुछ करना है, ना कंट्रास्ट में कुछ करना है, ओनली सेचुरेशन इसका इंक्रीज कर देंगे तो कलर इसके ना थोड़े अच्छे लगने लग जाएंगे, तो उससे थंबनेल भी दिखने में अच्छा लगेगा। तो इसका जो सेचुरेशन है ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा बहुत हाईलाइट में भी चेंज कर लेते हैं। तो इसके बाद हमें इसको गैलरी के अंदर सेव कर लेना है, गैलरी के अंदर। तो दोस्तों आपने देखा पूरा प्रोसेस, अगर वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया, अगर वीडियो देख रहे हो तो लाइक ज़रूर कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी नई नई वीडियोस लाता रहता हूँ, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब भी वीडियोस अपलोड करूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं, इंस्टाग्राम लिंक आप यूजर नेम दिख रहा होगा आपको। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद जय भारत।